अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन केक विद चीज़ पटेटो सॉस, जिसके लिए हम सबसे पहले इसका सॉस प्रिपेयर कर लेंगे। तो एक ग्राइंडिंग जार में हम ऐड करेंगे 1/4 कप फ्रेश क्रीम, 1 टेबलस्पून मेयोनीज, 1/2 कप चीज़, आप प्रोसेस चीज़ या शेडर चीज़ कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर या ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एक मीडियम साइज़ का पटेटो जिसे हमने बॉईल कर लिया है, इसे हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ठंडा दूध ऐड करके इसे ग्राइंड करेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। एक पैन में हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल हीट करेंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे स्लो फ्लेम पे। इसमें हम डाल देंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन को हमने बहुत ही छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और चिकन को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। ये पूरी तरह टेंडर हो जानी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहे। चिकन पूरी तरह पक चुकी है तो इसे निकाल के हम साइड में रख देंगे। अब इसी सेम पैन में हम 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल हीट करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। यहाँ 3 हरी मिर्चों का हमने पेस्ट बना लिया है, आप फाइनली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 कप चने का आटा यानी बेसन, 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, खोपरे का पाउडर या आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने स्लो पे रखे हैं और अब ऐड करेंगे 1/4 कप पानी और दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। अब हम इसमें दोबारा से 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। सो टोटल हमने इसमें 1/2 कप पानी ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कवर करके 5 से 6 मिनट पका लेंगे ताकि इसमें जो कच्ची बास हो वो सारी चली जाए। मसाला अच्छी तरह से भून लिए है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप फ्रेश क्रीम, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून टमेटो सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स। कप या 4 टेबलस्पून मेयोनीज, एक मीडियम साइज का कैप्सिकम जिसे हमने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, 250 ग्राम पटेटोज या 3 मीडियम साइज के आलू जिसे हमने बॉईल करके इस तरह छोटे क्यूब्स में चॉप कर लिया है। चिकन जो हमने पका कर रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये स्टेज पे आप इसे टेस्ट कर सकते हो और अगर इसमें सॉल्ट कम लग रहा है या अगर आपको इसमें स्पाइसी कम लग रहा है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। 1 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई कोथमीर ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और बस 2 से 3 मिनट पकाएंगे। फिर हम फ्लेम ऑफ करके इसे साइड में रख देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। हमने यहाँ एक पैकेट नूडल्स लिए हैं जिसका वेट है 100 ग्राम्स। उसे हमने थोड़ा सा ऑयल और नमक डालकर बॉईल कर लिया है। उसका सारा पानी ड्रेन करके हमने उसे एक बोल में ले लिया है और इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून शेजवान सॉस और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख देंगे। यहाँ हमने 2 अंडे लिए हैं, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरह से बीट करके साइड में रख देंगे।
यहाँ हमने 1 केजी केक का टिन ले लिया है जो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 इंचेस होगा। बेस में हमने पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगाकर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब जो नूडल्स हमने बनाए थे वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे और एक फ्लैट कटोरी की मदद से उसे हल्का हल्का प्रेस करके उसका एक बेस बना लेंगे। अब जो चिकन फिलिंग हमने रेडी किए थे वो सारी हम इसमें ऐड कर लेंगे और उसे अच्छी तरह सेट कर लेंगे। अब जो अंडे हमने रखे थे वो हम सारे इसमें डाल देंगे। ये ब्रेड क्रम्स है, हमने 4 ब्रेड की स्लाइसेस लेके उसे ग्राइंड कर लिए थे। ये रेसिपी में आपको ज़रूरी है कि आप फ्रेश ब्रेड क्रम्स ही यूज़ करो। अब अंडों पे हम ब्रेड क्रम्स का एक लेयर डाल देंगे। आपको बहुत ही हल्के हाथों से ब्रेड क्रम्स को फैलाना है और हल्के हल्के उन्हें प्रेस करना है। अगर आप ज़रा भी ज़ोर का प्रेस करोगे तो अंडे का लेयर ऊपर आ जाएगा। अब इसमें हम 4 टेबलस्पून गरम तेल ऐड कर लेंगे और पूरे में अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब हम इसे प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 45 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। एक बटर नाइफ की मदद से हम साइड्स को लूज कर लेंगे और इसे डीमोल्ड कर लेंगे। जब आप इसे बेक कर रहे हो तब आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही इसका ऊपर का जो ब्रेड क्रम्स का लेयर है वो हल्का सा ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब आपको इसे निकाल लेना है, क्योंकि हर ओवन का टेम्परेचर अलग होता है। इसीलिए आप इसे बेक करने के टाइम पर ध्यान रखिएगा। अब जो सॉस हमने बनाए थे वो पूरे पे हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सॉस बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें 1-2 टेबलस्पून ठंडा दूध डाल के इसे मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसे ओरिगैनो और चिली फ्लेक से गार्निश कर लेंगे। आप चाहो तो इस पे कोरिएंडर भी डाल सकते हो या टमेटो केचप से भी इसे गार्निश कर सकते हो। चिकन केक विद चीज़ पटेटो सॉस बिल्कुल रेडी है। इसके पीसेस कट करके आप सर्व करो और हमें ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।